आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस समय 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। इस सीरीज का तीसरा मैच कल सोमवार 28 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच को सुबह 7:30 बजे से लाइव देखा जा सकेगा। भारतीय टीम पहले के 2 मैच जीतने के बावजूद टीम में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। संभवतः टीम इंडिया कर सकती है 4 बड़े बदलाव। दूसरे वनडे में बल्लेबाजी के अनुकूल पिच के बावजूद रायडू ने काफी धीमी बल्लेबाजी की थी। ऐसे में उनके स्थान पर शुभमन गिल को नंबर 4 की जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये गिल का डेब्यू मैच होगा। कप्तान कोहली ने भी कहा था कि शुभमन जल्द ही अपना डेब्यू मैच खेलेंगे। इस मैच में मोहम्मद शमी को आराम देकर खलील अहमद को आजमाया जा सकता है। केदार जाधव को भी तीसरे वनडे में आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह दिनेश कार्तिक को खिलाया जा सकता है। चौथे बदलाव के रूप में विजय शंकर की जगह हार्दिक पांड्या को खिलाया जा सकता है। तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित 11। भारतीय टीम रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जो कि कप्तान है, शुभमन गिल, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और आपके हिसाब से भारत के प्लेइंग 11 में कौन सा खिलाड़ी शामिल हो सकता है, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।